में मुलायम सिंह यादव से मिले हैं अखिलेश यादव। सपा दफ्तर पर मुलायम से अखिलेश यादव की मुलाकात हुई है, जहां मुलायम सिंह यादव ने कहा है तुम बहुत अच्छा चुनाव लड़े। मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश यादव को ये शाबाशी दी है। उन्होंने कहा तुम बहुत अच्छा चुनाव लड़े। दोपहर में समाजवादी पार्टी मुख्यालय पहुंचे थे मुलायम सिंह यादव। ये बड़ी जानकारी मिल रही है, लखनऊ में मुलायम सिंह यादव से मुलाकात हुई है अखिलेश यादव की। सपा दफ्तर पर मुलायम से अखिलेश यादव ने मुलाकात की है और इस दौरान मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश यादव से कहा है कि तुम बहुत अच्छा चुनाव लड़े। देखी है जहां मुलायम सिंह यादव ने हौसला अफजाई की है अखिलेश यादव की कि तुमने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा। और विवेक त्रिपाठी हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी देंगे। विवेक, ये मुलाकात बहुत अहम मानी जा रही है क्योंकि अखिलेश यादव बेशक सत्ता में नहीं आए लेकिन पिताजी से शाबाशी जरूर मिल गई। बिल्कुल अनु, देखिए 10 मार्च को जब रिजल्ट आया है उसके बाद ये पहली बार मुलायम सिंह यादव दोपहर में दफ्तर पहुंचे अपने सपा के मुख्यालय पे। उनके घर से चंद कदम की दूरी पर है, वहां पर उन्होंने सबसे मुलाकात की है, कार्यकर्ताओं से मिले हैं और जो जीते हैं विधायक कई उनसे मिले हैं। जो सहारनपुर देहात से आशु मलिक जो उनके करीबी माने जाते हैं, आशु मलिक भी साथ में थे और अखिलेश यादव अपने कक्ष में मौजूद थे, मुलायम सिंह अपने कक्ष में मौजूद थे। दोनों की मुलाकात हुई है तो बड़ा एक भावुक दृश्य वहां पर नजर आया। सभी लोग जो मौजूद थे उन्होंने अपने मोबाइल से उसका वीडियो भी बनाया जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अखिलेश यादव ने अपने पिता के पैर छुए और उन्होंने अपने अंदाज में चार बार उनकी पीठ पर हाथ फेरा, एक बच्चे की तरह जैसे एक पिता अपने बच्चे उसको स्नेह करता है उस तरह से हाथ फेरा और उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा चुनाव लड़े हो और एक तरह से भाजपा को आधा तुमने हरा दिया है। ये भी बोले वो कि आधी जीत तुम्हारी हो गई है क्योंकि वोट बैंक बड़ा है और भाजपा की सीटें कम हुई है, तुम्हारी सीटें पिछली बार से बहुत ज्यादा बढ़ी हैं और आगे इसी तरह से मेहनत करते रहो तो निश्चित तौर पर सरकार अखिलेश यादव बनाओगे तुम और मुख्यमंत्री भी बनोगे। बिल्कुल इस हार को निराशा के तौर पर मत लेना, हिम्मत बनाओ अपने खुद को और कार्यकर्ताओं को भी हिम्मत बनाओ। उन्होंने थोड़ी सी बात की, बहुत ज्यादा चुकी बात नहीं हो पाई, थोड़ी सी बात की और इसके बाद अखिलेश यादव अपने कक्ष में चले गए और मुलायम सिंह यादव थोड़ी देर बैठ के फिर अपने आवास में चले आए हैं वापस। शिवपाल सिंह यादव भी थे लेकिन वो अपने कमरे में थे, जहां पर उनका कमरा है वहां पर बैठे हुए थे। तो ये पूरा माहौल जो इस तरह का उन्होंने आशीर्वाद दिया है, ये एक मैसेज है जो कार्यकर्ता निराश थे जिनको लग रहा था कि सरकार बन जाएगी और पूरे बहुमत से बनेगी। इसके बाद कुछ लोग तो ऐसे भी थे जिन्होंने मंत्रिमंडल तक तय कर लिए थे कि कौन कौन मंत्री बनेगा, उनसे निराशा का माहौल था, कार्यकर्ताओं में बहुत निराशा का माहौल था और अभी चूंकि एमएलसी चुनाव होने वाले हैं तो एक उत्साह पूर्ण संदेश है ये पूरी समाजवादी पार्टी के लिए कि उन्होंने जिस तरह से आशीर्वाद दिया है और कहा है कि आगे अभी बहुत लड़ाई है, बहुत लड़ना है, बहुत सारे संघर्ष हैं और अब की हार से कोई निराशा नहीं है, इसको एक सबक के तौर पर लिया जाए और आगे बढ़ के जो रणनीति है वो बनाई जाए, ये देखा जाए कहाँ चूक हुई है। शिवपाल सिंह यादव भी जो सूत्र हैं हमारे वो कह रहे हैं कि शिवपाल सिंह यादव से भी अखिलेश यादव की बात हुई थी और उन्होंने भी कहा कि जहां जहां कमजोर रहे हैं वहां मजबूत करने की जरूरत है, कहां कहां कमजोरी है उन्होंने ये भी बताया और इसको लेकर अगले चुनाव में यानी जो एमएलसी का चुनाव है उसमें सारी ताकत फिलहाल समाजवादी पार्टी अपनी झोंकने की तैयारी में है। बहुत सारे जो नए जो पुराने एमएलसी हैं उनको भी उनमें से कुछ का टिकट काटने की बात भी हुई है आज और कुछ नए टिकट दिए जाएंगे लोगों को एमएलसी के लिए आगे लाया जाएगा। पूरी जो आज की मुलाकात है वो एक तरह से उत्साहवर्धक और सबके लिए प्रेरक है, समाजवादी पार्टी के लोगों के लिए क्योंकि अखिलेश यादव तो अपने कार्यालय में रहते हैं लेकिन जब मुलायम सिंह यादव आते हैं तब वहां का माहौल बदल जाता है। चूंकि मुलायम सिंह यादव को एक संरक्षक के तौर पर सब देखते हैं और उनका बड़ा सम्मान भी करते हैं और उनकी एक एक बात जो भी छोटी सी बात भी उनके इशारे भी सब समझते हैं और इशारे ही आदेश होते हैं। कहा जाता है मुलायम सिंह यादव
जनता से जुड़े हुए नेता हैं, नीचे जो कार्यकर्ता हैं वो उनके जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे तब वो सभी अपने कार्यकर्ताओं को नाम से बुलाते थे, समर्थकों को नाम से पहचानते थे। तो ये जमीनी स्तर के इनको, इसलिए उनको धरती पुत्र कहा जाता है, धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव कहा जाता है, क्योंकि वो जमीन से जुड़े हुए नेता हैं। और आज उनका ये मैसेज समाजवादी पार्टी के लोगों में, कार्यकर्ताओं में, समर्थकों में, जो पदाधिकारी हैं, जो हारे विधायक हैं, जो जीते लोग हैं, उनके लिए एक बड़ा मैसेज है कि किस तरह से हिम्मत बना के आगे की तैयारियां करनी। बिल्कुल। और विवेक, देखिए मार्गदर्शक की भूमिका में है, तो क्या कुछ कमियां भी बताई है, कहां चूक रह गई, क्या ये भी मुलायम सिंह यादव से चर्चा हुई है अखिलेश यादव की नतीजों को लेकर? कमियों के बारे में जो चर्चाएं हुई हैं वो बंद कमरे की बात है, और हालांकि कुछ एकाध जो सोर्सेज हैं हमारे, उन्होंने बताया है कि कहां कहां कमियां रही हैं, और सबसे बड़ी कमियां संगठन की बताई है कि संगठन कमजोर है। चुनाव जो लड़ा गया है वो, चूंकि संगठन मजबूत होता है तो असल पर ज्यादा मजबूती दिखती है, जमीन पर ज्यादा मजबूती दिखती है। और टिकट बंटवारे को लेकर जिस तरह से शुरुआत में विवाद हुए थे उसको भी लेकर चर्चा हुई है। दो ऐसी प्रमुख बातें हैं, एक तो संगठन की कमी और दूसरा टिकट बंटवारे को लेकर जो आपस में तनातनी की हालात पैदा हुए थे। कई जगह से दो दो तीन तीन प्रत्याशी आ गए थे सामने, और एक को अगर सिंबल दिया गया तो दूसरे को भी दे दिया गया, तो ये जो असमंजस वाली स्थिति रही उससे ये माना जा रहा है कि वोट बैंक दोनों ही अपने ही प्रत्याशियों में बट गया। यानी जो समाजवादी पार्टी के कई ऐसे टिकट रहे, कई ऐसी सीटें रही जहां पर दोनों लोग को सिंबल दे दिया गया कि आप भी लड़िए और आप भी लड़िए, जहां पर गठबंधन का प्रत्याशी है वहां भी समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी लड़ रहा था, इससे असंतोष हुआ, गठबंधन में भी असंतोष हुआ। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो वोट काटने के काम आई। अगर एक तरफ बसपा वोट बैंक उनका काट रही थी, समाजवादी पार्टी का बहुत सारा वोट बैंक बसपा की तरफ भी खिसक गया माना जा रहा है, तो अपने ही लोगों में आपस में वोट बंटना भी बहुत बड़ी। और विवेक, अब ये मंथन का ही दौर है, जहां कमियां खामियां रह गई उन्हें चिन्हित कर आगे बढ़ने का ही ये दौर है, ये समय है, जिस पर लाजमी है कि अखिलेश यादव जरूर विचार कर रहे होंगे अपने बाकी सहयोगियों के साथ। फिलहाल शुक्रिया विवेक इस पूरी जानकारी के लिए। और चलिए एक बार फिर से आपको वो पल दिखा देते हैं जब सपा दफ्तर पर मुलायम सिंह यादव अखिलेश से मिले।